कश्मीर में जारी तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को दो दिनों के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान वह वहां की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वह समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से ही घाटी सुलग रही है और 1.5 महीने में सिंह की यह दूसरी यात्रा है। जम्मू कश्मीर में हुई हिंसा की कई घटनाओं में 2 पुलिसकर्मियों सहित 65 लोगों की मौत हो चुकी है और कई हजार अन्य लोग घायल हुए हैं। इससे पहले गृह मंत्री ने कहा था कि केंद्र राज्य के साथ एक भावनात्मक रिश्ता चाहता है और ना सिर्फ जरूरत पर आधारित रिश्ता। वहीं कल पीएम मोदी ने भी जम्मू के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी। पीएम ने वहां की स्थिति पर गहरी चिंता और दुख व्यक्त किया था और साथ ही घाटी की समस्याओं का एक स्थायी और टिकाऊ समाधान ढूंढने में राजनीतिक दलों से मिलकर काम करने की अपील भी की थी। जम्मू कश्मीर के हालात को सामान्य बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। जहां राजनाथ सिंह 1.5 महीने में दूसरी बार घाटी का दौरा करेंगे, वहीं केंद्र सरकार ने 11 साल बाद घाटी में बीएसएफ की वापसी करा दी है। देखते रहिए टीवी लाइव।